रोहित मोबाइल की नई पेशकश बजाज SDB TVS कार्ड बिल्कुल फ्री में बनवाएं। तो क्रेट में मोबाइल उपलब्ध 0% फाइनेंस सुविधा के साथ आज ही संपर्क करें। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थली सांची में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव का आज शुभारंभ किया गया है। वहीं पवित्र अस्थि कलश की पूजा अर्चना के साथ हुआ शुरू। सांची महाबोधि महोत्सव प्रशासनिक अधिकारियों की और बौद्धिक सोसाइटी के चीफ बानगल उपतिस नायक धैरो की मौजूदगी में तलघर से निकाला गया पवित्र अस्थि कलश को रायसेन जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थली सांची में 2 दिवसीय बोधि महोत्सव भगवान बुद्ध के परम शिष्य सारिपुत्र महामोदग्लयान की पवित्र अस्थियों की विशेष पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुआ। सांची स्तूप परिसर के समीपस्थ चैत्यगिरि विहार मंदिर के तलघर में भगवान बुद्ध के परम शिष्य सारिपुत्र महामोदग्लयान और बौद्ध सोसाइटी के चीफ बानगल उपतिस नायक थैरो की मौजूदगी में बाहर निकाला गया और विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं इस विशेष पूजा अर्चना के दौरान देश विदेश के बौद्ध धर्म के श्रद्धालु मौजूद रहे। महाबोधि महोत्सव को लेकर चैत्यगिरि विहार मंदिर को आकर्षक रंग बिरंगे फूलों से विशेष साज सज्जा की गई। कार्यक्रम में शामिल हुए विद्वानों ने भगवान बुद्ध के शांति के संदेश को जीवन में आत्मसात किए जाने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी के चीफ लंका जी टेम्पल जापान के मुख्य संघ नायक पूज्य बानगल उपतिस नायक थेरू एवं वरिष्ठ IPS अधिकारी अनुराधा शंकर भी मौजूद रही। हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश में ऐसे अद्भुत चीजें रखी हुई हैं जो भगवान बुद्ध के जो सबसे शुरुआती पहला जो जिन्होंने श्रवण किया उनके प्रवचन को, तो जो प्रथम शिष्य 5 शिष्य हुए उनमें से 2 महामोदग्लयान और सारिपुत्र, इन दोनों की अस्थियां यहां पर विराजित हैं और उनके दर्शन हमें वर्ष में एक बार हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है और गर्व का विषय है। सांची के और आसपास की जितनी भी जनता है उसको जिस तरह एक तरीके से अपना स्वयं की निधि मानती है और उसके ऊपर उसकी रक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से तत्पर रहती है, यह भी हमारे लिए बहुत सुंदर विषय है। और मुझे लगता है कि इसके हमें इसी तरह से हजारों हजार साल तक यहाँ रहे हम सब उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। मैम, बुद्ध जी की प्रेरणा क्या है? मैं जो भगवान बुद्ध का प्रेरणा हम सब जानते हैं, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है वो है मैत्री और करुणा। संसार में सबके आपस के बीच में मैत्री रहे और जीव हर जीव सजीव निर्जीव हर चीज के प्रति करुणा रहे, तो यही तो भारत का मूल तत्व भी है। और मैं महाबोधि सोसाइटी से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सारनाथ में मैंने अपनी शिक्षा पूरी की, वहीं पर हमारे गुरुजी से जो शिक्षा के रूप में थे हम लोग मिले, मित्र हुए। उसके बाद मैं बैंकर हुआ, बैंकर के बाद अब मैं महाबोधि सोसाइटी सांची सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ के जो वातावरण, यहाँ के आसपास जो शिक्षा की थी उसका मैंने अध्ययन किया और बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के बाद मैंने उसको लिखना शुरू किया। उसके बाद सबसे पहला मैंने यहाँ पर गुरुजी की बायोग्राफी लिखी, अंजलि कर्णियों, जो कि इंग्लिश में है। उसके बाद हमने सोचा कि लोग जो आते हैं सांची में उनको सारिपुत्र और महामोगलाना के बारे में उतनी जानकारी, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता है उनको, तो हमने ये सोचा कि एक सारिपुत्र और महामोगलाना की जीवन परिचय को लिखूं, जो कि हिंदी और इंग्लिश में ही होगी। वो बुक लगभग तैयार हो गई है, 1 महीने के अंदर आपको उपलब्ध हो जाएगी। उसमें पूरे सारिपुत्र के बचपन से लेकर के उनके गौतम बुद्ध के शिष्य होने के बाद उसके बाद परिनिर्वाण तक का पूरा परिचय और उनकी जो सूत्र है, उनके जो पिछले जन्म, क्योंकि सारिपुत्र महामोगलयान पिछले 7 जन्मों से गौतम बुद्ध के साथ जुड़े हुए थे, हर बार वो उनके मुख्य शिष्य होते थे, तो उन सभी इतिहास को लिखा हुआ है जिसको थेरा प्रदान कहते हैं। उसमें उसकी उसको हमने ये आयोजन या ये रिलिक्स का जो एक्सपोजिशन है जनता को दिखाने का, ये आज से नहीं बल्कि 1952 से शुरू हो के आज तक चलाते आ रहे हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध के और उनके शिष्य का अस्थियों को दर्शन करना बौद्ध हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है।
इसलिए हर साल धातुओं को बाहर ले आकर पब्लिक को दिखाने के लिए इंतजाम किया है। ये रेलिक्स जो है यहाँ पर जो रखे गए हैं 1952 में, उस समय भारत के लेट प्राइम मिनिस्टर दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ आके इसको उधर रखा गया था। उस दिन उस साल से हर साल नवंबर के महीने में ये पब्लिक को दिखाया जाता है, और इससे हम अभी तो ये रेलिक्स का एनुअल फंक्शन के कारण विश्व के बहुत देशों से भारत का संबंध बढ़ गया है। देखिए, रेलिक्स को देखने आते हैं, लोगों को मालूम है कि रेलिक्स यहाँ है, ये इंडोनेशिया, ताकि वो भी मुस्लिम देश है, इंडोनेशिया से भी आते हैं, और वियतनाम, श्रीलंका, बर्मा, थाई, ऐसे बौद्ध देशों से बहुत से, सिंगापुर, ये सब जगहों से लोग आने लगा। तो भारत का जो संबंध है श्रीलंका के साथ, इसी रिलिक्स के वजह से बना है। ये हमने एक अखबार में देखा कुछ दिन पहले, वो ब्राइड एंड ब्राइड रूम क्या कोई ऐसा कुछ लिखा हुआ था, क्योंकि ये रिलिक्स उसी तरह लोगों को श्रीलंका और भारत का संबंध ब्रिज बन चुके हैं, और यहीं से ही बौद्ध धर्म का विकास हुआ और प्रसार प्रचार हुआ। सम्राट अशोक के पुत्र महिंद और पुत्र संगमित्रा यहीं से शांति का संदेश लेके श्रीलंका गए, इसीलिए सांची का नाम वास्तव में शांति धीरे धीरे सांची बन गए। रोहित मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सभी कंपनियों के मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, मिक्सी, सभी प्रकार की मोबाइल एसेसरीज एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारा पता है रामप्याव के पास, बड़ा बाजार, सागर। फोन नंबर है 9009205959, 8818158811।